अस्सलाम वालेकुम। आज हम बाजरे की रोटी बनाएंगे, कड़क वाली बाजरे की रोटी। हमारे बीजापुर साइड ये बनाते हैं। बाजरे को इंग्लिश में पर्ल मिलेट बोलते हैं। बाजरे की तासीर गर्म होती है, इसे ठंडी के मौसम में खाना बहुत ही फायदेमंद है। ये बाजरे की रोटी आप सूखी सब्जी के साथ, दही चटनी के साथ, हमारे साइड तो इसे गोश्त के सालन के साथ भी खाते हैं। बहुत ही मज़े के साथ खाते हैं गोश्त के सालन के साथ। इससे पहले भी मैंने बाजरे की रोटी बनाने का वीडियो डाला है, लेकिन वो बेलन से बनाई हुई रोटी है, रोलिंग पिन से। ये हाथ से टैप करके रोटी बना रहे हैं। उस रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आप चाहे तो देख लीजिए। तो चलिए कड़क वाली बाजरे की रोटी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे कोलपट लिया है, इसके ऊपर बाजरे का आटा डाल देंगे। पर्ल मिलेट का आटा है ये। जितनी रोटियां बनाना है उतना लीजिए। हमारे अम्मी कोलपट पे लेके ही गून रहे हैं आटे को, आप टोकरी में लेके भी गून सकते हैं। अब इसे कुएं जैसा कर लेंगे, बीच में इसके अंदर थोड़े से चीज़ें डालेंगे। इतना सा नमक डाल दूंगी, रोटी के टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए नमक। और इसमें हल्दी डाल दूंगी हाफ टी स्पून जितनी। और थोड़ा फ्लेवर के लिए इसके अंदर हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दूंगी। मैंने हरी मिर्ची, लहसुन और कोतिंबीर थोड़ा सा नमक डाल के मिक्सी की जार में पीस के कढ़ाई में तेल डाल के इसे गर्म करके लिया है। वो मिर्ची है ये, टेस्ट के हिसाब से डाल दीजिए। ये मिर्ची टोटली ऑप्शनल है, अच्छे फ्लेवर के लिए डाला है। यहाँ पे देखिए मैंने पानी गर्म करके लिया है, अब इसके अंदर डालूंगी पानी। इस तरह गर्म पानी डाल के आप गूंदेंगे तो रोटी बहुत ही पतली बनेगी, फटेगी नहीं कितनी भी आप पतली करने जाएंगे रोटी को। और थोड़ा सा डाल दूंगी, गून से मिक्स कर ले रहे हैं इसे आटे को। गर्म रहता है, हल्के से गूंद लेना चाहिए, पूरा गूंद लेंगे। और चाहिए तो और थोड़ा सा पानी डाल के, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। ऐसे मिक्स करते हुए गूंद दीजिए। कोलपट पे नहीं जम रहा है तो टोकरी में, परात में, जिसमें आपको ठीक लगे उसमें गूंद के लीजिए, आटा भी वेस्ट नहीं होगा। देखिए कितना स्टिकी बना है आटा गर्म पानी डालने की वजह से। देखिए कैसे गूंद रहे हैं ना, ऐसे गूंदना चाहिए। देखिए पूरा कोलपट साफ हो चुका है, सब कुछ आटे में मिला है। अब इसे लंबी सी लोई बना के, हम कितनी रोटी बनाना है उतना एक पेड़ा लेना चाहिए। देखिए इस तरह से पेड़े बना के अब रोटी बना लेंगे। इसे निकाल लेंगे, एक टोकरी में डाल के ऊपर प्लेट ढक के रखिए। यहाँ देखिए ये तिल ली है, सफ़ेद तिल, तिल को बिना भुने भी लिया है, ये अनपॉलिश्ड तिल है। अब इसके अंदर देखिए एक पेड़ा बना लिए हैं इस तरह का। अब इसे एक तिल लगा देंगे, अच्छे से प्रेस कर लीजिए। देखिए तिल बैठी है, नहीं तो भी और थोड़ा सा ऐसा टैप कर लीजिए, अच्छे से तिल बैठ जाएगी। देखिए ऐसे लगाए हैं, अब रोटी बनाएंगे। तिल जो लगाए ना वो सरफेस ऊपर रखेंगे। अब कोलपट पे थोड़ा सा आटा डालेंगे, उसके ऊपर ये रोटी रखेंगे। तिल का जो सरफेस है ना उसे ऊपर रखना है, और हल्का सा हथेलियों को भी आटा लगा लेना है, लगा के रोटी बनाना चाहिए। पहले ऐसे बना लीजिए एक हाथ से। इस तरह से उठा के आटा फिर इवन करके फिर रोटी बनाइए। अब दोनों हाथों से हल्का सा टैप करते हुए रोटेट करते हुए जाइए। देखिए जहाँ फिर फटी है ना वहाँ पे थोड़ा सा आटा जो गूंदे हैं ना, हम वो आटा लेके लगा सकते हैं, पैच लगा सकते हैं, और अच्छे से बनेगी रोटी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। देखिए पूरी रोटी रेडी है। देखिए यहाँ पे पानी लिया है रोटी को लगाने के लिए, और एक कॉटन का कपड़ा लिया है, इसमें डिप करके हम रोटी को पानी लगाएंगे। यहाँ तवा रखा है गरम होने के लिए, तवा गरम हो चुका है। अब गैस की फ्लेम को, तवा जब गरम होता है ना गैस की फ्लेम को लो करना चाहिए। इसके ऊपर रोटी डालेंगे। देखिए अब कोलपट पे से रोटी लेंगे,
कि इस तरह से ऐसे डालना चाहिए। फोल्ड हुई थी उसे सीधा करके अब इसे पानी लगाएंगे। ये जो आटा लगाए रहते हैं नीचे के लेयर को, वो रोटी बनने के बाद आटा आटा लगता है, इसीलिए उसे इस तरह से पानी लगाएंगे तो लूज़ वाला आटा है ना वो वहीं पे ही चिपक जाता है। कि पूरी रोटी को पानी लगा दिया है, ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, सिर्फ जो सूखा आटा है ना उसे रोटी को चिपके जैसा करना चाहिए। देखिए ये सरफेस पूरा सूखना चाहिए, पानी जो लगाए हैं ना वो पानी सूखना चाहिए। इस तरह से इसे लूज़ कर लेंगे। देखिए कैसे स्लाइड हो रही है, स्लाइड होने के साथ इसे ऐसे फ्लिप करके डालना चाहिए। अब इसे घुमा घुमा के नहीं सेकेंगे, इस तरह से सरका सरका के यहाँ पे प्रेस करते हुए सेक लेंगे। इसे अब घुमा के डालना ही नहीं है, सिर्फ ऐसे रोटेट करना है, कपड़े से हल्का सा प्रेस कर लेना चाहिए। देखिए ऐसे रोटी को घुमाना ही नहीं है, जैसे हम चपाती घुमा घुमा के सेकते हैं ना वैसे सेकना नहीं रहता है रोटी को। ऐसे उठाना है और हल्का सा प्रेस करना है, जहाँ जहाँ नहीं सेका हुआ है वहाँ सेक लेंगे। ऐसे प्रेस करते हुए सेक लेना चाहिए। गैस की फ्लेम फुल हाई पे है, रोटी का पानी लगाना ख़त्म होता है ना तभी गैस की फ्लेम को हाई कर लेना चाहिए। देखिए पीछे के साइड सब कुछ हो चुका है, अब इस साइड भी सेक लेंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए ही सेकेंगे। देखिए रोटी पूरी सिक चुकी है इधर साइड और उधर साइड, अब इसे कड़क कर लेंगे। अब नरम है ये रोटी। देखिए मैंने कोलसे की सेगड़ी ली है, उनमें कोलसे डाले हैं, कोयला हाफ सेगड़ी जितना डाला है उसके ऊपर इस तरह से सेकी हूँ। और ये सेकी हुई रोटी, ये देखिए रोटी कितनी नरम है, आप देख सकते हैं पूरी नरम है। अब इसे कड़क कर लेंगे। आप इस तरह से सेकेंगे तो रोटी बहुत दिन तक कड़क रहेगी और बहुत ही नरम भी बनेगी। ऐसे ही पोजीशन चेंज करते हुए सेक लेना चाहिए, नहीं तो जल जाएगी। कंटिन्यू घुमाना चाहिए। देखिए हर तरफ से इवनली सिक चुकी है, ज़्यादा जलाना नहीं है, हल्का सा ब्राउन करना है। अब दूसरी रोटी को सेक लेंगे। ऐसे रोटी बना के रख लीजिए, सेगड़ी लेके उस पर सेक दीजिए। हर एक के पास भी सेगड़ी नहीं होती, आप इसे गैस पे भी सेक सकते हैं। ये बारिशों के मौसम में या कोई भी सीजन हो तो ऐसे ही रहेगी, आप सेगड़ी पे सेकेंगे तो बहुत ही कड़क बनेगी। इस तरह से आप रोटी बना के महीना भर रख सकते हैं, एक महीना तक भी कुछ भी नहीं होगा। जब भी आपको खाने का मन करे तो लेके खा सकते हैं। हर एक सब्जी के साथ, सूखी सब्जी के साथ चलेगी ये रोटी। देखिए सब कुछ सिक चुकी है, कड़क हो चुकी है हर तरफ से, इसे निकाल लेंगे। ऐसे ही सारी रोटियों को सेक लूँगी। देखिए रोटी फुल कड़क है, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए सेगड़ी पे सेकने से, अब बारिश का मौसम है तो भी नरम नहीं है। आप इसे दही चटनी के साथ खा सकते हैं, कोई भी सूखी सब्जी के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।